ओके सो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं उतर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे आकर मेरे से कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी एडिटिंग से लेकर तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो आप चाहो तो या तो नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर देना। बाकी चले गए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। सो गाइस यहां से मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस मॉडल को ऐड करना है, एंड गाइस जो आपका हाइट वगैरह जो गाइस वो आपको अपने हिसाब से रखना, मतलब कि गाइस मतलब कि अंदाजे लगाने ना बैकग्राउंड में आपको कितना हाइट रखना है। एंड गाइस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूँ बोलूँगा कि जो प्रोमिस डे का जो पीएनजी लगा हुआ है ऊपर, आपको उससे नीचे की साइड में आपको अपने मॉडल को रखना है, ठीक है। एंड रोटेट वगैरह जो वो आप अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है, जहाँ मतलब आप जिस साइड में रखना चाहो उस साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे गाइस जो मेरा मॉडल है इसके मैं इस साइड में रखूँगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी डन नहीं करना है क्योंकि गाइस अभी जो है मॉडल के पीछे हमें एक शेडो भी बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से ऐड करेंगे हमें ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको हम कर देंगे फुल स्क्रीन एंड इसको हम मूव टू डाउन कर देंगे, ठीक है। एंड इसको जाएंगे रिजर टूल में, इसको यहाँ पे हम इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद जो है हम इसका साइज़ वगैरह जो अपने आप इंक्रीज़ कर लेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड आप शेडो वगैरह बनाएंगे। एंड गाइस मैं तो आपको इस तरीके से शेडो बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से बनाना आता है तो गाइस आप उस तरीके से शेडो बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हो, मैटर ये करता है कि बस आपको शेडो बनानी है, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से बनाओ, बस शेडो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको शेडो बनानी है इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जब शेडो बना लोगे तो उसके बाद जो आगे करना वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले मैं आपको गाइस फटाफट शेडो बना लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी जो ओपेसिटी है हम यहाँ पे इसको कम रखेंगे अराउंड 30-40 के बीच में। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको कर देंगे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी विग्नेट का पीएनजी, एंड इसको कर देना आपको ऐड। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये पीएनजी जो है विग्नेट का, आपको उसको ऐड करने के बाद आपको सिंपली फुल स्क्रीन करें कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस देखिए इससे क्या है कि फोटो में एक अच्छा सा लुक आ रहा है, ठीक है, डार्कनेस टाइप की आ जा रही है फोटो में। तो अब आपको इसको ऐड कर लेना है, इसको यहाँ पे कुछ इतना जो है इसका हाइट मतलब साइज जो है इतना कुछ इतना रख लेना है। एंड इसको कर देना है आपको सिंपली डन। तो गाइस हमारा पिक्सआर्ट का खत्म, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है काम जो भी है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं फोटो को, एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच हुए तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पे हमने फोटो को ऐड कर रखा था पहले से ही। तो आपको क्या करना है, आपको जाना इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट है इसको वहाँ पे आपको बढ़ा देना है की तरफ। एंड जो हाईलाइट है इसको वहाँ पे आपको थोड़ा कम करना है, जो शेडो है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। फिर यहाँ पे जो व्हाइट है इसको आपको थोड़ा कम करना है, ठीक है, हल्का सा। एंड जो उसके बाद ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक को आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको भी कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो है आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड जो फोटो का टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है। एंड जो यहाँ पे ल्यूमिनस है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद जाना आपको येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है, एंड इसका ल्यूमिनस जो है इसको सॉरी सैचुरेशन है जो इसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन सॉरी ह्यू थोड़ा माइनस करना है, सैचुरेशन यहाँ पे थोड़ा प्लस करना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसको फोटो को यहाँ पे डन करना है। एंड जाना आपको यहाँ से कलर के नीचे वाले टूल में, ठीक है। एंड इस वहाँ पे कलर के नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है गाइस आपको वो डाल देना थोड़ा सा, ठीक है, मतलब अपन फोटो की ऑडिंग। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है। फोटो में जितना भी नोड रिडक्शन है आपको उसको बढ़ा देना है, मतलब कि पूरा फुल मत करना, मतलब हल्का फुल्का बढ़ा देना है। एंड जो कलर नोड रिडक्शन है आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो की एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।